महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना की तेज रफ्तार ने हैरान कर दिया है। महाराष्ट्र एक बार फिर कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बनने की ओर है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2701 नए मामले सामने आए हैं। अकेले मुंबई में 1765 नए केस दर्ज किए गए हैं। यही नहीं, पॉजिटिविटी रेट में भी बड़ा उछाल दर्ज किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 564 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक शख्स की संक्रमण से मौत हो गई। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमण के मामले 5000 को पार कर गए हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 2701 नए मामले सामने आए, जो लगभग 4 महीनों में सबसे अधिक है। राज्य में इस साल 17 फरवरी को कोरोना के 2797 मामले मिले थे। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या अब 10000 के करीब 9806 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 78,98,815, जबकि महामारी से मरने वालों की संख्या 11,47,866 हो गई है। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना के 1,881 नए मामले सामने आए थे, जबकि सोमवार को 1,036 मामले मिले थे। मुंबई में बुधवार को कोविड 19 के 1,765 नए मामले दर्ज किए गए। बीते 26 जनवरी के बाद से ये एक दिन में सर्वाधिक मामले हैं। इससे एक दिन पहले मंगलवार को महानगर में कोरोना के 1,242 मामले सामने आए थे। बता दें कि मुंबई में 26 जनवरी को कोरोना के 1,858 मामले सामने आए थे और 13 लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ ही मुंबई में कोरोना के मामले बढ़कर 1,073,541 हो गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 19,569 हो गई है। तमिलनाडु में बुधवार को कोरोना के 195 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही तमिलनाडु में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,021 हो गई है। तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।